हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल LCS। जैसे कि मैंने डे ऑप्स पे कुछ वीडियो डाले हैं, तो आज हम बात करेंगे डे ऑप्स के प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रैक्टिस की। तो डे ऑप्स के प्रिंसिपल क्या है, प्रैक्टिस क्या है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के थ्रू। सो बेसिकली हम पहले बात करेंगे डे ऑप्स के प्रिंसिपल के बारे में, जो यहाँ पे 7 प्रिंसिपल जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, बहुत सारी वेबसाइट रिफर करके मैंने ये सॉर्ट आउट किए हैं। सो पहला है फोस्टर कोलोबरेटिव एनवायरमेंट। मींस आपको क्या करना है कि जो भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं, तो हमें पता है कि डेवऑप्स के अंदर एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, सो उसका जो एनवायरमेंट होता है कोलोबरेटिव हो जाता है। लेकिन हमें एनकरेज करना है, क्योंकि कई बार कंपनी में जो ऐसे पर्सन है, they have not experience in agile methodology, so we have to encourage them to work in a collaborative environment. Second, impose end-to-end responsibility. Means आपको बताना है कि आपकी responsibility क्या है, हर एक जो भी player है आपके team में, so उसको आपको बताना है उसकी role and responsibility and how to achieve that. Then encourage continuous improvement. Means जो आपकी team है उसको बार बार आपको encourage करना पड़ता है कि इम्प्रूव करो आपकी जो भी स्किल है, एज वेल एज दी जो आप काम कर रहे हो, सो उसमें टाइम कम होना चाहिए। मींस उसके लिए हमें पॉसिबिलिटी है, कई वेज है कि हाउ टू इम्प्रूव अवर स्किल, सो देर आर मैनी वेज। देन ऑटोमेटेड एवरीथिंग, मींस आपको क्या करना है कि हमें पता है कि जो पहले मैनुअल टेस्टिंग होता था, आज ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गया, राइट? सो हमें ट्राई करना है जो भी मैक्सिमम चीज है वो ऑटोमेटिक हो जाए। देन फोकस ऑन दी कस्टमर नीड्स, we have to focus on the each and every customer requirement, right? क्योंकि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर कस्टमर ने एक बार रिक्वायरमेंट दे दी और आप कस्टमर के साथ बात नहीं करते हैं, तो उसकी जो भी चेंजेस है या रिक्वायरमेंट है, सपोज चेंज हुई है, तो हम कैसे उसको इंक्लूड करें? सो वी हैव टू कंटिन्यूस कम्युनिकेट विद द आवर कस्टमर, एंड इफ दे हैव एनी चेंजेस, सो वी हैव टू इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट। देन एम्बार्स द फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट। मीन्स हमें क्या करना है, जो भी हमें फेलियर हुआ है, सो हमें उससे लर्न करना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी और कैसे हम उसको इम्प्रूव करें, मीन्स वो जो फेलियर है उसको कैसे मिनिमाइज करें। देन यूनाइट टीम्स एंड एक्सपर्टाइज, मीन्स आपको जो भी टीम है उसको एक कोलोबरेटिव एनवायरमेंट में रखना है और उसको जो भी बोलना है कि आपको एक्सपर्टाइज करनी है कोई भी स्किल पे। सपोज कोई डिजाइनर है या टेस्टर है, और सपोज के ऑटोमेशन टेस्टर चल रहा है अभी, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि सिलेनियम वेब ड्राइवर है, पोस्टमैन है, जेंकिंस है, एज वेल एज दी जे मीटर है, बहुत सारे टूल है, लेकिन आपके जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से विच टूल आर बेस्ट फॉर द टेस्टिंग। सो जो भी टेस्टर है उसको पता होना चाहिए और उसको एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए वो पर्टिकुलर टूल की। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है डेवऑप्स के, तभी आप जाके जो डेवऑप्स के अंदर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, सो ऑन टाइम यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट विदाउट एनी एरर। अब हम बात करेंगे डेवऑप्स प्रैक्टिस की। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सो पहले है वर्जन कंट्रोल फॉर ऑल प्रोडक्शन आर्टिफैक्ट्स। जो जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करके हम दूसरा वर्जन निकालते हैं, तो उसे हम वर्जन कंट्रोल बोलते हैं, राइट? सपोज के कोई बीटा वर्जन है, या कोई हम देख ले कि मैकेफी है, तो वो बोलता है कि मैकेफी 1.0, देन 1.0.1। सो ये सारे जो वर्जन कंट्रोल है, तो आपको करना पड़ता है कि किस वर्जन में आपने क्या इंक्लूड किया है और क्या रिमूव किया है, राइट? और उसमें क्या कुछ इंप्रूव किया है। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूजर है, जब भी आप कोई अपडेट करते हो एंड्रॉइड में, सो उसमें लिखा हुआ आता है कि क्या उन्होंने बग फिक्स की है, एज वेल एज क्या रिमूव किया है। देन कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। सो आपको कंटिन्यूअसली उस पर फोकस करना पड़ता है। देन हम बात करेंगे ऑटोमेटेड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मीन्स जो टेस्टिंग है वो एक्सेप्टेंस क्या होता है कि कस्टमर साइड होता है, तो उसको भी हमें ऑटोमेटेड करना पड़ता है, क्योंकि उससे टाइम बच जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, कस्टमर एक एक फीचर्स नहीं देखता, लेकिन आप उसको रिपोर्ट निकाल के देते हो ऑटोमेशन टेस्टिंग का, सो ही विल एक्सेप्ट योर प्रोजेक्ट। देन पीयर रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन चेंज। मीन्स जब भी आप कुछ प्रोडक्शन में चेंजेस करते हो, तो आपको रिव्यू करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है उसमें। मीन्स आपके जो कलीग्स है, मीन्स आपके सॉफ्टवेयर टीम में 10 लोग है, सो आपको कुछ चेंजेस आते हैं, सो यू हैव टू सिट टूगेदर एंड डिस्कस विद अबाउट दी चेंजेस ऑफ प्रोडक्शन, एज वेल एज दी आइडेंटिफाई सम बग्स एंड रिमूव इट। देन हाई ट्रस्ट कल्चर। मीन्स आप जब भी कुछ डेवलप करते हो, सो
आपको ट्रस्ट करना पड़ता है सबके ऊपर कि जो भी डेवलप हो रहा है वो ट्रस्टेड है. देन प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोडक्शन एनवायरमेंट मीन्स आपको एक्टिवली वहां पे जो भी पार्ट चल रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आपका, जो भी सॉफ्टवेयर का, मीन्स आपके 10 एम्प्लॉय है, सो आपको 10 से 10 एम्प्लॉय पे आपको वहां पे मॉनिटरिंग करना है किस डेवलपर ने क्या किया है और किस डिजाइनर ने क्या डिजाइन किया है. देन विन विन रिलेशनशिप एंड आउटकम्स बिटवीन डेवऑप्स डेव एंड ऑप्स. जैसे मैंने बताया कि जो डेवलपर है और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कंबाइन करके डेवऑप्स बना हुआ है, सो ये दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, मीन्स कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए. उसको बोथ जो भी दो पर्सन है उसको साथ के लेके चलना है और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मिनिमाइज करनी है. सो ऐसे जो डेवऑप प्रैक्टिस चलता है तो आपका जो आउटकम आता है, जो प्रोजेक्ट का जो आप बनता है, वो एरर फ्री एज वेल एज दी ऑन टाइम क्रिएट हो जाता है, राइट. सो इस वीडियो में मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंस है डेवऑप्स प्रिंसिपल एज वेल एज दी प्रैक्टिस. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.